दो ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जिसके मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान थे। नमो वन दोस्तों, खोपड़ियां तो वैसे भी काफी ज्यादा डरावने होते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह की खोपड़ी देखने को मिले तो आपका क्या रिएक्शन होगा? दरअसल इस तरह की खोपड़ियों को आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने साल 2012 में मेक्सिको के एक प्राचीन कब्रिस्तान में खोजा था। इस कब्रिस्तान में करीब 25 कब्रें थी जिनमें से अधिकांश के सर इस तरह से पीछे की तरफ निकले हुए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्रैनियल डिफॉर्मेशन के तहत सर को इस तरह की शेप दी जाती थी और इस तरह की शेप देने के लिए बचपन से ही बच्चों को दो रबड़ की रस्सियों के बीच बांध दिया जाता था और सर ऐसा बन जाता था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों का सर ऐसा हुआ करता था उन्हें अमीर माना जाता था, चाहे वो असलियत में नल्ले, छपरी, बेरोजगार या फिर भिखारी ही क्यों ना हो। नंबर 2, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले लाइट बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने साल 1879 में किया था, लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन समय में इजिप्शियन सभ्यता के पास प्रकाश करने का कोई जरिया उपलब्ध था। दरअसल दोस्तों अगर आप डेंडेरा के मंदिरों की छतों पर नक्काशियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ इजिप्शियन सभ्यता के लोग ऐसे प्रतीत होते हैं कि उनके हाथ में बेसबॉल वाले बैट हैं, पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कोई बेसबॉल बैट नहीं बल्कि आधुनिक समय में काम आने वाले किसी लैंप की तरह कुछ हैं।